अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करने जाते हैं तो किसी किसी आईपीओ का रजिस्ट्रार होता है के फिनटेक, और अब के फिनटेक कंपनी के खुद के आईपीओ से जुड़ी हुई एक अपडेट आती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी अपडेट के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपडेट को समझ लेते हैं। देखिए, अपडेट में बताया गया है कि के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कंपनी है, पिछले कुछ सालों में आए हुए आईपीओस का ये रजिस्ट्रार भी रह चुकी है, और देखिए अब खुद के आईपीओ लाने के लिए इसने सेबी को डीआरएचपी सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि डीआरएचपी का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है तो सेबी को उन्हें डीआरएचपी सबमिट करना होता है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी रखी जाती है। सेबी इस जानकारी को वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं जाकर कोई आईपीओ मार्केट में ओपन हो पाता है अप्लाई करने के लिए। यानी कि अब दूसरे आईपीओस का जो रजिस्ट्रार रहती थी कंपनी, अब खुद का इसका आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। और यहां पर देखिए काफी ज्यादा चर्चित ये आईपीओ होने वाला है, क्योंकि सभी लोग इस कंपनी को जानते होंगे जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और यहां पर भी आपको काफी बढ़िया कमाई का मौका मिल सकता है। अब देखिए बात आती है कि आईपीओ कितना बड़ा होगा, यानी कि इसका इशू साइज क्या होगा। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि जो आईपीओ है प्योरली ऑफर फॉर सेल के जरिए लाया जा रहा है, यानी कि कंपनी के जो करेंट प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक्स कंपनी में से बेच रहे हैं, और यहां पर ये जो आईपीओ है करीब 2400 करोड़ के आसपास का होने वाला है, यानी कि काफी बड़ा ये आईपीओ है। निगेटिव बात यहां पर एक ही नजर आती है कि ये जो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल के जरिए है, यानी कि कंपनी में कोई भी पैसा नहीं जाएगा डायरेक्टली रूप से। हो सकता है प्रमोटर को पैसा मिलेगा तो प्रमोटर अपना पैसा लगाएंगे कंपनी में, लेकिन डायरेक्टली रूप से कोई भी पैसा कंपनी के अंदर नहीं जाने वाला है। अधिक इनके प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर है जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए ये जो कंपनी है ये इसकी प्रमोटर कंपनी है, और इनके पास काफी ज्यादा स्टेक्स है, और उसी स्टेक्स में से कुछ स्टेक्स बेच रहे हैं जिसका वैल्यू 2400 करोड़ के आसपास है, और इतने का आपको आईपीओ देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट है, जब ये आईपीओ आएगा पूरी एनालिसिस आपको बताएंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, कितना प्रीमियम मिलेगा, सारी चीजें आपको बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी एक बात और बता दें कि आईपीओ कब तक आएगा, तो देखिए वेरिफिकेशन के में करीब 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, यानी कि जुलाई मिड तक आपको ये आईपीओ देखने को मिल सकता है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।